गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप दैट ऑल ऑफ यू गुड एट योर होम, एट हेल्थ वाइज, माइंड वाइज एंड एवरीथिंग इज गुड। तो आज हम वीडियो जो लेके आए हो क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 अंडरस्टैंड सेकुलरिज्म, और ये वीडियो हम भेज रहे हैं 22/7/2021। अब अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर नेम, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर्स, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, स्केयर्ड साइट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग एक्सेट्रा। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी इसका मतलब है आपको लिस्ट बनानी है जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो आपको पड़ोस में रहते हैं, क्या उनकी प्रेयर्स प्रार्थनाएं अलग हैं, पूजा करने के भगवान को पूजने के तरीके अलग हैं, उनके जो कार्य करने की वो अलग हैं, उनके जो व्यवहार है वो धर्म के अकॉर्डिंग म्यूजिक में अलग हैं, गाने में अलग हैं। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्या उनके धार्मिक इंडिकेट स्वतंत्र हैं। तो देखो ये तो क्वेश्चन की हिंदी वर्जन हो गई, आंसर हिंदूज परफॉर्म पूजा इन टेंपल एंड मुस्लिम्स ऑफर नमाज इन मस्जिद। तो हिंदू तो पूजा करते हैं मंदिरों में, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में। हिंदू सिंगिंग भजन इन टेंपल, सिख सिंग शब्द इन गुरुद्वारा एंड क्रिश्चियन ऑफर प्रेयर इन चर्च। अंडरस्टैंड, हिंदू तो गाते भजन गाते मंदिरों में, सिख जो प्रजाति है धर्म है वो शब्द वाणी बोलती है गुरुद्वारे में, क्रिश्चियन है प्रेयर करते हैं चर्च में। अब सूफी म्यूजिक इन एंजॉय बाय ऑल पीपल लाइक गजल्स, ऑल अबोव एग्जांपल्स इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो सूफी एंजॉय करने के लिए गजल्स वगैरह गाते हैं, तो ऑल जो सभी एग्जांपल हैं इससे सिद्ध होता है कि सभी धर्म स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्मों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, विल वी गवर्नमेंट इंटरवेंस इन सम रिलीजियस ग्रुप से दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन फैंसी साइड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या गवर्नमेंट सभी धर्मों को समान अलाउज रखती है, तो आप रीजन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दें। यस द गवर्नमेंट विल इंटरवेन इट इफ सम रिलीजियस ग्रुप विल प्रैक्टिस फीमेल इन्फेंसाइड बिकॉज। देखो कई बार आपने देखा होगी कि गवर्नमेंट के जो इंटरव्यू में या धर्मों में जो फीमेल जो औरतें हैं उनको इन्फेंसाइड काफ़ी चोट पहुंचती हैं, जैसे किलिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इज ए क्राइम, क्राइम के अनुसार एक गर्ल बच्ची को मार रहे हैं, एंड इट इज ए वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द गवर्नमेंट विल ट्रांसफर टू स्टॉप दिस डोमिनेशन। तो गवर्नमेंट के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मेल मेंबर्स देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है ये, और स्टॉप द डोमिनेशन मेल मेंबर्स और मेल जो पुरुष लोग हैं उनको प्रतिबंधित करती है ऐसा कार्य करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल कंप्लीट करना है यहाँ, ऑब्जेक्टिव वाई इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ए वॉयलेंट ऑफ दिस, ये आपकी बुक में है टेबल, ये लिखे हुए हैं
वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनोदर, ये आंसर है कि इट इज इम्पोर्टेंट एज दिस एंश्योर दैट पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन एज दे वांट टू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कई बार अवहेलना होती है, तो ये एग्जाम्पल, ये भी सॉल्यूशन है, आंसर है कि द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद बाय हिंदू नेशनलिस्ट इन 1992। जैसे कुछ अपवाद हुए थे बाबरी मस्जिद को, हिंदुओं ने पूरे नेशनल यानी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। सेकंड, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कोई भी जो स्टेट प्रांत है दबाव नहीं देता है किसी भी धर्म को कि वह अपने धर्म से दूर हो। जैसे आंसर, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी पर्सन फ्री टू एम्प्रेंस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी पर्सन फ्री हैं, स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए अपनी चॉइस से, बट किसी के प्रेशर में नहीं, फ्री स्वतंत्रता के अनुसार वो अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। इन फ्रांस इन 2004 टर्बन वर बैंड इन पब्लिक प्लेस हर्ट द सिख कम्युनिटी। फ्रांस में 2004 में ये बंद कर दिया गया था कि सिख लोग कोई साफा नहीं बांधेंगे, तो उनको बहुत हर्ट हुआ था। अब देखो, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ जो व्यक्ति हैं जो डोमिनेट नहीं है दूसरे लोगों में और अपने धर्म कम्युनिटी में, तो इट विल बी वॉयलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल हु आर बीइंग डोमिनेटेड। जो डोमिनेटेड नहीं है तो इसका मतलब यानी प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार उसको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट इन अनटचेबिलिटी। जैसे बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों से छुआछूत करते थे, तो ये फंडामेंटल राइट्स उनको हानि पहुंचाता था, यानी वो अछूत हे दृष्टि से देखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ यूअर स्कूल, हाउ मैनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। आप अपने एनुअल कैलेंडर को देखें और उसमें छुट्टियां हैं उनको देखें, तो क्या अलग अलग धर्म अलग अलग हॉलीडेज मानता है? व्हाट डज दिस इंडिकेट, उससे क्या सिद्ध होता है? अब देखो, एज वी हैव दिवाली होली दशहरा एक्सेट्रा फॉर हिंदूज, हम वी नो दैट अबाउट, ये त्यौहार हिंदू लोग मनाते हैं। मुहर्रम ईद एक्सेट्रा फॉर मुस्लिम्स, मुहर्रम और ईद मुस्लिम मनाते हैं। गुरु पर्व एंड लोहरी फॉर सिख, गुरु पर्व और लोहरी त्यौहार सिख मनाते हैं। दिस इंडिकेट दैट ऑल द स्टूडेंट स्टैंडिंग इन द स्कूल इररेस्पेक्टिव, इनके इंडिकेशन होने के बाद सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ऑफ देयर रिलीजन सभी धर्मों के साथ, गेट ए होली टू सेलिब्रेट देयर रिलीजियस सेरेमोनीज, और सभी उनके धर्मों का आदर सम्मान करते हैं। दिस शो द इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इससे ये सिद्ध होता है कि भारत इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो, फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। क्या सभी धर्मों में भी क्या अलग अलग विचारधारा हैं? जैसे आंसर, एक ही धर्म में जैसे जैनीज हैज टू सेट्स,
शैलियों के दो सेट हैं, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। बोथ हैव डिफरेंट व्यूज ऑन रिलीजन, और वो है एक ही जैनी, दोनों ही जैनी, बट अपने अपने धर्म को अलग अलग तरीके से मानते हैं। सेकंड, मुस्लिम्स हैज टू सेट्स, शिया एंड सुन्नी। बोथ हैव डिफरेंट व्यूज ऑन रिलीजन, शिया और सुन्नी दोनों अलग अलग व्यूज रखते हैं अपने धर्मों के अनुसार। हिंदूज, आर्य समाज एंड सनातन धर्म हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ द रिलीजन। हिंदुओं में भी आर्य समाज और सनातन धर्म अलग अलग व्यूज हैं दोनों के। अब सॉल्यूशन सिक्स, द इंडियन स्टेट बोथ कीप अवे फ्रॉम रिलीजन्स एज वेल एज इंटरवेंस इन रिलीजन। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग, डिस्कस दीज वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स। देखो, भारतीय स्टेट में क्या धर्मों को दूर किया जाता है, एज वेल एज इंटरवेंस इन रिलीजन, यानी धर्मों के अनुसार धर्म को प्रॉपर वे में नहीं मानते हैं क्या, दूर रखते हैं। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग, ये जो विचार है बड़ा कन्फ्यूज करता है। डिस्कस देयर वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर क्लास में डिस्कस करें। द एग्जाम्पल्स ने फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विद। तो इस चैप्टर के साथ आप बहुत अच्छी तरह से कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन, द इंडियन स्टेट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन्स एंड इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, किसी एक धर्म की सहायता नहीं करता है, क्योंकि ऑल रिलीजियस फॉर इक्वल अकॉर्डिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एंड लॉ हैज नथिंग से अबाउट एनी रिलीजन। यानी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, पहले भी हम कर चुके हैं, सेकुलर की धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके लाभ में कुछ नहीं है, इससे अबाउट एनी वो धर्म, किसी धर्म के बारे में कुछ कहे ये लाभ में कहीं नहीं लिखा है। बट इन ऑर्डर, बट ये लिखा है, टू प्रिवेंट डोमिनेशन बाय वन पार्टिकुलर कम्युनिटी द स्टेट मे इंटरफेरेंस इन द रिलीजन टू एंश्योर। बट इतना है कि किसी धर्म का अहित होता है तो वो उसकी सहायता सुरक्षा जरूर करेगा। That all the religions are treated equally, इससे ये सिद्ध होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से आंका गया है। अब सेवंथ में पोस्टर दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे, क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़ेंगे, उस पोस्टर से क्या मैसेज गया है मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। द पोस्टर कन्वेज द मैसेज टू क्रिएट पीस एंड हारमोनी इन द सोसाइटी। उस पोस्टर से ये मैसेज गया है कि आप समाज में शांति और सद्भाव की भावनाएं फैलाएं। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, हम सभी धर्मों का सम्मान करें। वी शुड वर्क विद कोऑपरेशन विद ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों के साथ, धर्मों के लोगों के साथ कोऑपरेशन से हम कार्य करें। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस, हम सभी धर्मों का आदर करें। इट विल क्रिएट द चैरियस्ट एनवायरनमेंट, इससे सुखद एनवायरनमेंट की अनुभूति हमारी कंट्री में हो। तो ये एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो के। आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स, आपने सभी वीडियो देखी होंगी, प्रॉपर वे में आपको समझ भी आ रहा होगा। तो आई होप दैट यू कंटिन्यू सी द वीडियो एंड डू द होमवर्क इन ए प्रॉपर हैंड राइटिंग। After that, you have any local lacuna, to convey the message, school WhatsApp number or my personal mobile number, to we give the solution. Thank you.